वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम अलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दिस साइड योर फ्रेंड बिलकिस ब्यूटी। सो आज का वीडियो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको सिखाने वाली हूँ। यस गाइस, मैं आपको एक ऐसा बीबी क्रीम कम फाउंडेशन सिखाने वाली हूँ जो आप घर पे ही बना सकते हो, सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट से, कुछ चीज़ों से जो आपके पास अवेलेबल होंगी, और बहुत ही इजी तरीके से आप ये इतना प्यारा ग्लोसी बीबी क्रीम घर बैठे ही बना सकते हो। बहुत ही अच्छा। ये अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हेयर इज़ माई चैनल बिलकिस ब्यूटी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है, आप समझ ही गए होंगे इतना तो कि मैं क्या आज आपको दिखाने वाली हूँ, क्या आपको सिखाने वाली हूँ। यस गाइस, आज आपकी बिलकिस आपको सिखाने आई है बीबी क्रीम। यस, DIY बीबी क्रीम जो आप घर बैठे ही आप बहुत अच्छी बीबी क्रीम बना सकते हो। आप इसका टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप डेली वेयर में कौन सा आउटिंग के लिए, जैसे हम जाते हैं नॉर्मली तो हम फाउंडेशन इतना हैवी तो लगाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो बीबी क्रीम जैसे कि मैं आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए थोड़ी सी हेल्प किए जाए। सो मैंने आपके लिए छोटी सी कोशिश की है जो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुई है, और मैं यही वाला बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बीबी क्रीम बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर देना। तो लेट्स बिगिन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए खाली कंटेनर, कोई सा भी आप कंटेनर ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली, जितना आप बनाना चाहते हो। मैंने ये लिया है। एंड सेकंड, यू विल नीड एनी सनस्क्रीन। मैं कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगी, आप कोई सा भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। और अगर आप ये ममार्थ का सनस्क्रीन लोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें SPF 50 है और ये बहुत अच्छा है। पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। और सेकंड इंग्रेडिएंट है, कोई सा भी आप ले सकते हो सीरम। मैं यहाँ ये नाइट सीरम ले रही हूँ येका का, और ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये कॉम्बिनेशन टू ऑली स्किन वालों के लिए है, तो मैं सीरम ये वाला यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी 24K गोल्ड सीरम यूज़ कर सकते हो, एनी। एंड थर्ड, यू विल नीड लिक्विड हाइलाइटर। आप चाहे तो पाउडर वाला हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे टाइप में जो होता है। मैं यहाँ पर लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। और नेक्स्ट है ये मैबलिन का फाउंडेशन। आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता हो, ठीक है। एंड लास्ट है ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है। अगर आप कोई अच्छा प्राइमर बाय करने की सोच रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंड लास्ट, सॉरी बट नॉट लीस्ट, ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ऑयली स्किन वालों के लिए और नॉर्मल स्किन वाले दोनों सूट कर जाते हैं ये। सो ये मॉइस्चराइज़र, और एक स्पून चाहिए होगा उसे मिक्स करने के लिए। सो लेट गेट स्टार्ट। पहले मैं इसमें डालूँगी फाउंडेशन, जितना आपको बनाना उस हिसाब से। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं आपको एक बना कर दिखा रही हूँ, तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, जैसे कि आपने देखा है मेरा वीडियो में। ये थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही बना के देखेंगे अभी तो फ़िलहाल, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये मैंने डाल लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये प्राइमर। ये आपके जो पोर्स होंगे ना उसे मिनिमाइज कर देगा ये, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सनस्क्रीन।
सॉरी वीडियो बीच में कट हो गया था, एक्चुअली मेरे हाथ से क्लिक हो गया था क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं डालने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप लेस क्वांटिटी में डालिएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें हम सीरम भी डालने वाले हैं। कम क्वांटिटी में डालिएगा, ठीक है। ठीक है, ये डन हो गया है। सेकेंड, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। एंड अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सीरम, लिटिल बिट सीरम डालेंगे इसमें। वन टू थ्री फोर, दैट्स इट। ज़्यादा सीरम इसमें ऐड नहीं करना है। सीरम आप कोई सा भी ले सकते हो। सो ये इसे थोड़ा ग्लॉसी बनाने के लिए, शाइन करता है ना लाइक, वैसा करने के लिए थोड़ा ये ख़त्म सा हो गया, पता नहीं क्या है ये, कभी निकलता ही नहीं है टाइम पे, तो थोड़ा हम इसे यहाँ साइड में ही लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, दैट्स इट, इनफ है इतना हाइलाइटर। अगर आपको ज़्यादा ग्लोई चाहिए बीबी क्रीम तो आप ज़्यादा मिला सकते हो। मैंने थोड़ा सा आपको स्वैच करके दिखा रही हूँ। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ उसका लास्ट रिज़ल्ट। तो देखिए मेरा ये रेडी हो गया है बीबी क्रीम, और देखिए इसका स्वैच मैंने ऑलरेडी लगा लिया था क्योंकि अभी मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है मेरा, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसा शाइनी ग्लो कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा घर में, चाहे तो आप थोड़ा सा बना के ट्राई करना, बट आपको बहुत पसंद आएगा ये बीबी क्रीम, और ये बहुत अच्छा है, आप डेली वेयर में इसे लगा के निकल सकते हो। होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिल गई है, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कितना हेल्पफुल रहा, और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।